इधर लखनऊ में तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे लोगों को कार सवार ने रौंद डाला। जी हां, स्क्वायर लॉन के पास सड़क पर खड़े लोगों को कार सवार ने रौंद दिया। दो गुटों में आपसी विवाद के बाद बहुत तेजी से कार लेकर भाग रहा था कार सवार। इसी दौरान यह हादसा हुआ। घायलों में एक की इलाज के दौरान मौत हुई। घटना थाना गोसाईगंज इलाके की बताई जा रही है। तस्वीर देखिए आप, ये देखिए कार सवार कैसे रौंदता हुआ निकल गया। दिल दहला देने वाली तस्वीर, एक्सक्लूसिव आप देखिए, लखनऊ की तस्वीर। कार देखिए आती है, झुंड में लोग वहां पर खड़े थे और रौंदते हुए निकल जाती है। घायलों में एक की हालत गंभीर। थाना गोसाईगंज इलाके की घटना, फिर से देखिए आप ये सीसीटीवी फुटेज और ये परेशान करने वाली तस्वीर। रात के 12:16 पर यह घटना हुई और देखिए कैसे कार सवार ने रौंद डाला। यहां पर थाना गोसाईगंज इलाके की घटना, खड़े हुए लोगों पर कैसे कार सवार ने कार चढ़ा दी। तिलक समारोह में शामिल होने वाले लोग थे ये, जिनको कार सवार ने रौंद डाला, बुरी तरीके से रौंदा। दो गुटों में विवाद के बाद कार लेकर भाग रहा था यह कार सवार और उसके बाद उसने क्या किया ये आप देख लीजिए। घायलों में एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। तिलक समारोह में दो गुटों में विवाद हुआ। कार सवार कार लेकर भाग रहा था और भागने की प्रक्रिया में ही देखिए उसने कैसे जो लोग खड़े थे उनको रौंद डाला और बाद में इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों में एक की इलाज के दौरान मौत की दर्दनाक खबर। थाना गोसाईगंज इलाके की एक घटना। ग्रेटर नोएडा से मारपीट का एक वीडियो सामने आया। इसमें कार सवार ने रोडवेज बस को रुकवाकर उसके साथ मारपीट की। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कार सवार ओवरटेक कर पहले रोडवेज बस को रुकवाता है, फिर डंडों से रोडवेज बस के ड्राइवर पर हमला भी करता है। कैसे देख लीजिए, साफ साफ दिखाई दे सकता है, डंडे से हमला करता हुआ रोडवेज बस के ड्राइवर पर। कार सवार पहले ओवरटेक करके आगे रोकता है गाड़ी को, उसके बाद जो पीछे खड़ी रोडवेज की बस है उसके ड्राइवर को डंडे से मारता है, मारपीट करता है। दिन दहाड़े गुंडागर्दी,